सो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं मैं। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर के बारे में कि आपको क्या करना चाहिए यहां पे, क्योंकि दोस्तों मार्केट में स्टॉक काफ़ी हाई बनाया इसने आज फिर से। लेकिन एक बात हमें कंफर्म हो गई दोस्तों कि अब स्टॉक नीचे पलट के देखने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी बड़ा हाई बनाया था शेयर ने। लगभग 69 रुपीज़ के आसपास का इसका हाई है, 50 रुपीज़ हाई, मतलब एक तरह से कन्फर्म हो गया है कि नया रिकॉर्ड शेयर ने बना दिया। लगभग 70 के आसपास का हाई बना दिया शेयर ने, तो ये कन्फर्म हो गया दोस्तों अब स्टॉक नीचे पलट के देखने वाला नहीं है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं आपको एक बात बोलूँ दोस्तों, बिल्कुल अच्छी बात कि अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो आप तो शॉर्ट टाइम के लिए इसके पीछे मत पड़ो। आप अगर पढ़ना है आपको इसके पीछे तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करो। लॉन्ग टाइम आपको कम से कम 200 रुपये का टारगेट आपको लेकर चलना पड़ेगा आने वाले 6 मंथ के अंदर, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में आपको काफ़ी बड़ी तेजी देखने को मिलने वाली है। जो भी मन में आपको क्वेश्चन आ रहा हो कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ ना करूँ, तो मैंने क्या बोला आपको, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करो आप इसमें, शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट बिल्कुल मत करो आप, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे उनने एग्जिट कर लिया है, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लिया होगा। क्योंकि 50 रुपये के आसपास था शेयर से 5 डे पहले। अगर मैं 5 डे की बात करूँ रिटर्न मामले में, तो 5 डे में आपको 10 रुपये के आसपास आपको देखने मिला है, तो काफ़ी बड़ा शेयर रिटर्न दिया है आपको, काफ़ी बड़ा परफॉर्मेंस किया शेयर ने। हो सकता है कि आपको आने वाले शॉर्ट टाइम में इसकी प्राइस 75 तक देखने को मिल जाएगी, लेकिन मैं शॉर्ट टाइम के लिए सजेशन आपको नहीं करूँगा कि इसमें इन्वेस्ट करो आप, करना है आपको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करो।